फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मास्टरमाइंड में। सो दोस्तों, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि किस मैंने किस तरह का थंबनेल लगाया है। सो फ्रेंड्स, आप कंपनी कब मौका देती है कमाने का, अच्छी खासी कमाई कब होती है, स्विगी या जोमेटो दोनों में, ये दोनों को लागू है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्विगर बनाया है मैंने। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं एक एक ट्रिक आपको बताऊँगा। फेक वीडियो नहीं बनाता मैं, अगर आपको फेक लगे तो आप डिसलाइक ज़रूर करें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करना फ्रेंड्स, ओके। और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। मैं कुछ ओरिजिनल टिप्स आपको बताऊंगा जिससे आपकी अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके स्विगी या जोमेटो दोनों में। सो फ्रेंड्स, किस तरह से आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं ये बताता हूँ आपको। ये तो सबसे पहली बात है दोस्तों कि ये आपके लोकेलिटी पर निर्भर करता है कि वहाँ पर ऑर्डर कितने हैं। ऑर्डर ज़्यादा होंगे तो सीधी सीधी बात है, ज़्यादा ऑर्डर आपको मिलेंगे, और ऑर्डर कम होंगे तो कहाँ से आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर 10 ऑर्डर है तो आपको जो भी डिलीवरी बॉय है, मैं एक समझाने की बता रहा हूँ, अगर 2 डिलीवरी बॉय है और 10 ऑर्डर है वहाँ पर, तो फ्रेंड्स आपको 5-5 मिल सकते हैं। आपकी रेटिंग अच्छी रही तो आपको 7 मिलेंगे, 6 मिलेंगे, उसे 4 मिलेंगे, एक समझाने की बात फ्रेंड्स। तो अगर ऑर्डर ज़्यादा होंगे तो आपके ऑर्डर ज़्यादा ही मिलेंगे, और जहाँ पर आपकी लोकेलिटी अच्छी है वहाँ पर आपको अच्छे ऑर्डर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, लोकल लोकेलिटी के लिए ये लागू नहीं होता। अगर आपके यहाँ पे ऑर्डर अच्छे हैं तो ही आपको अच्छे ऑर्डर मिलेंगे, कम है तो कम मिलेंगे। तो देखिए, मैं ज़्यादा कमाने के लिए आपको ट्रिक बताता हूँ, एक एक ट्रिक को आप अमल में लाइए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आपने क्या किया है। आपने यूट्यूब पर देखा है, यूट्यूब पर आपको देखा है कि स्विगी जोमेटो से जुड़िए और इतनी वन डे में कमाई कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये कमाई होती है और कहाँ पर होती है, ये होती है बड़ी बड़ी सिटियों में। जो बड़ी बड़ी सिटी है, शहर है, वहाँ पर ये कमाई होती है फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ पर अधिक से अधिक ऑर्डर होते हैं, तो वहाँ पर कमाई भी अच्छी होती है और वहाँ पे सर्विस बोनस भी अच्छा मिलता है। सो फ्रेंड्स, अगर छोटे सिटी में है आप तो क्या करोगे, वहाँ पे ऑर्डर कम होते हैं, लोग गरीब होते हैं तो ज़्यादा ऑर्डर नहीं करते, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो ये पता भी नहीं है कि ऑनलाइन आज भी ऑर्डर होते हैं। सबसे पहले आप यूट्यूब पर आए, वीडियो देखिए, एक दिन में इतना कमाए, फिर आपने उससे प्रभावित होकर क्या किया, यूट्यूब पर सर्च किया ज्वाइन कैसे करें, फिर आप ऐसे तैसे कैसे करके आप ज्वाइन हो गए। आपने ज्वाइनिंग की, उसके बाद में आपने लॉगिन किया, आपको अर्निंग शुरू हुई, पर आपकी अर्निंग वैसी नहीं थी, आपकी कमाई वैसी नहीं हुई जैसी वीडियो यूट्यूब की वीडियोस में बताई गई थी, क्योंकि फ्रेंड्स वो सब बड़ी सिटियों के वीडियोस होते हैं, छोटे छोटे शहर के वीडियो नहीं होते। तो बता ही दिया मैंने कि बड़ी सिटी में ज़्यादा ऑर्डर होते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, आपकी लो अर्निंग हुई, आप टेंशन में आए, परेशान हो गए, अल्लाह यूट्यूब पर तो इतना बताया गया और फिर ओरिजिनल में तो ऐसा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, फिर YouTube पर आपने अर्निंग की वीडियो देखी कि कैसे ज़्यादा अर्न करें, वहाँ पर आपको तरह तरह की टिप्स दी गई है, बहुत से वीडियो तो कैसे बनाए हैं कि अगर उन्हें देखा जाए तो ज़रूर ज़रूर और बहुत जान पाता है, आप उस वीडियो को डिसलाइक कर दोगे, इस तरह की वीडियोस बनाए गए हैं कि एक ही बात को दोहराया गया है बार बार। तो फिर दोस्तों आपने बहुत सारी वीडियोज़ देखी, टाइम वेस्ट किया, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद आपने ट्रिक्स लगाए, अपने अलग अलग ट्रिक्स आपने लगाए जो वीडियोज़ में बताए गए थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर लॉगिन टाइम आपको जो मैं बता रहा हूँ उस तरह से आप करके देखिए, आपकी ऑर्डर जो है वो ज़रूर ज़रूर बढ़ेंगी, आपको जो ऑर्डर्स मिलने हैं फ्रेंड्स वो ज़रूर और ज़रूर बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, ट्रिक नंबर एक है दोस्तों कि आपको लॉगिन टाइम जो होता है आपका इंक्रीज़ कीजिए, भले आप ऑर्डर ना करें उस वक्त, क्योंकि ऑर्डर तो हर वक्त नहीं लगते, मैं स्मॉल सिटी की बात कर रहा हूँ अभी। तो स्मॉल सिटी में क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप एरिया के बाहर हो तो आपको जल्दी से ऑर्डर नहीं लगेंगे, ठीक है। तो लॉगिन टाइम आपको इंक्रीज करना है, अगर आपका लॉगिन टाइम ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर होने में मदद होंगी। उसके बाद फ्रेंड्स, आप एक भी ऑर्डर जो है रिजेक्ट बिल्कुल ना करें, जहाँ तक हो सके हर ऑर्डर को कम्प्लीट करने की प्रोसेस करें, और अगर इस प्रोसेस में आप नाकामी होते हैं तो मेरे सिटी के रेट कार्ड के अनुसार हम एक ऑर्डर डेली का रिजेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड, जब आपको जो इंसेंटिव मिलते हैं कंपनी की ओर से, मिनिमम गारंटी मिलती है, तो उसमें आप अगर ऑर्डर रिजेक्ट करते हो तो उसके ऊपर आपका प्रभाव पड़ता है रिजेक्टेड ऑर्डर्स का। तो फ्रेंड्स, या तो हो सके रिजेक्ट ना करें। फिर ज़्यादा अर्निंग के लिए कंपनी की तरफ से क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत सारे ऑफर आते हैं, सर्च बोनस के रूप में आपको मिलता है, अब तो पेट्रोल प्राइस इंक्रीज भी मिलने लगा है, ओके। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग के लिए आपको फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये 3 दिन कंपनी की तरफ से सर्च बोनस होता ही होता है।
दूसरे दिनों में भी होता है, पर यह तीन दिनों में ज़्यादा ज़्यादा होता है, ऑर्डर भी ज़्यादा होते हैं। तो आप इन तीन दिन लॉग इन रह के ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी की तरफ से कमाई कर सकते हो। यहाँ पे कंपनी आपको मौका देती है, और जिनके बहुत कम ऑर्डर होते हैं उनको भी अच्छे खासे ऑर्डर इन दिनों में मिलते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स क्या है, जो फेस्टिवल वगैरह होते हैं, अब हमारा भारत तो है ही त्योहारों की भूमि है, यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई त्यौहार चालू रहता है। तो फ्रेंड्स जो त्यौहार होते हैं वहाँ पर फेस्टिवल के टाइम कंपनी की तरफ से सर्ज बोनस अलग से मिलता है ऑर्डर के ऊपर, तो तब भी आप ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपको जब ऑर्डर लगती है आप असाइन करते हो ऑर्डर, असाइन करने के बाद आप रिच डिलीवरी करते हो, रिच पिकअप लोकेशन करते हो सॉरी, तो पिकअप लोकेशन पर रिच करने के बाद फ्रेंड्स आपको जो रेस्टोरेंट होते हैं उनको कहना था है, वहाँ पर आप थोड़ा पेशेंट रखिए, उनसे उलझे ना, बस उन्हें कह दीजिए कि भैया हमारे ऑर्डर जल्दी कर दीजिए। जल्दी ऑर्डर कर देंगे फ्रेंड्स वो, तो आपकी जाहिर सी बात है ज़्यादा ऑर्डर होंगी, एक ऑर्डर जल्दी से डिलीवर होंगी तो दूसरी जल्दी लगेंगी। तो उसी तरह से फ्रेंड्स दूसरे ऑर्डर में लेंगे, फिर तीसरी चौथी ऐसी मिलेंगे, तो आप वहाँ पर पेशेंट रखिए, उनसे उलझे ना, जहाँ तक हो सके सब्र से काम करें, क्योंकि हमारा तो हमेशा का ही काम है कि हम वहाँ पर जाए, उनसे मिले और वहाँ से ऑर्डर लें, क्योंकि अगर हम उनसे उलझेंगे फ्रेंड्स तो अगले ऑर्डर में भी जानबूझकर हो सकता है कि देरी करें, जानबूझकर भी देरी करते हैं कुछ। अगर आप वहाँ से रेस्टोरेंट डिलेइंग ऑर्डर की रिक्वेस्ट अराइज इशू करते हैं, अगर इशू करते भी है फ्रेंड्स, तो आपको कस्टमर केयर से कॉल आएगा, तो वो कहेगा कि भैया आप 5-10 मिनट रुकिए, ऑर्डर रेडी हो जाएंगी दे देंगे। दोस्तों वो कुछ भी नहीं कर सकते, इसके अंदर आपको रुकना ही पड़ेगा। और अगर आप असाइन करते हैं तो आपके ऑर्डर रिजेक्ट सेक्शन में जाती है, फिर आपका जहाँ पर आपको ऑर्डर असाइन होती है वहाँ से रेस्टोरेंट तक का जो खर्च होता है पेट्रोल आपका और वक्त जाता है उसका आपको 0% सन्नाटा मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता फ्रेंड्स अगर रिजेक्ट में ऑर्डर जाती है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप इस पर भी ध्यान दीजिए कि ऑर्डर अब तो रिजेक्ट नहीं करना है, और रेस्टोरेंट के कर्मचारी होते हैं फ्रेंड्स, उनसे अच्छे से बात करनी है ताकि जल्दी आपको ऑर्डर मिल जाए। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप जल्दी ऑर्डर उनसे ले सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। और कस्टमर को कॉल करते समय बहुत पोलाइटली बात करनी चाहिए फ्रेंड्स उनसे, हमें कितना भी कुछ भी हो, कितनी परेशानी हो, हमें सब्र रखना ही चाहिए, क्योंकि हमें काम करना है उसके अंदर। और ये काम ही ऐसा है फ्रेंड्स कि मैं खुद भी इसमें काम करता हूँ, मैं देखता हूँ कि लोगों का व्यवहार हमारे प्रति थोड़ा विचित्र ही होता है। ओके तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हमें कमाना है, आगे जाना है, कुछ करना है, तो अगर इस काम को करना है तो करना है, वरना अगर आपको शर्म आती है तो आप नहीं करिए काम, कोई बात नहीं। मैं एक बात यह बता दूं कि जो कस्टमर होता है आपका उससे पोलाइटली बात करें, पोलाइटली बात करने के बाद जब आप ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो उसे थैंक्स ज़रूर कर दिया और उसे रेटिंग के लिए ज़रूर कहें। और अगर थोड़ा लेट हो जाए ऑर्डर हमारे तरफ से हो या किसी और तरफ से हो, कस्टमर अगर नाराज़ है तो आप उससे नाराज़ी से बात बिल्कुल ना करें, आप उससे अच्छी बात करें, ठीक है फ्रेंड्स। इससे अलग एक प्रभाव आपका पड़ता है, वो रेटिंग ज़रूर अच्छी देंगे, और रेटिंग अच्छी रहेंगी तो ऑर्डर आपको ज़्यादा दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा ऑर्डर आपको मिलने की बहुत बड़ी संभावना है, ठीक है फ्रेंड्स। और आप डेली लॉगिन रहिए, ज़्यादा घंटे लॉगिन रहिए, ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे और ऑर्डर के साथ सर्ज बोनस भी मिलता है। उन दिनों को आप नोट करके रखिए कि कब कंपनी आपको सर्ज बोनस देती है, तो अगले टाइम आप जब ऑर्डर करोगे तो आपको पता चलने में अच्छा होगा कि वैसे तो मैसेज आ ही जाता है कंपनी की ओर से, फिर भी अगर हम एक दिन पहले ही सतर्क रहे कि भाई कल ज़्यादा ऑर्डर मिलने वाले हैं, कल सर्ज बोनस ज़्यादा है, तो हम पहले ही तैयारी में रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाते रहता हूँ, मनी मेकिंग की, शेयर मार्केट की, और फायदेमंद वीडियोस मैं आपके लिए बनाते रहता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हो, कोई बात नहीं, लाल घंटी दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बाजू में घंटी है, घंटी दबा दीजिए, सब्सक्राइब हो ही जाएगा, पैसे भी नहीं लगते। और अगर सब्सक्राइब नहीं हुआ तब बताइए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ रुकिए फ्रेंड्स, रुकिए मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा माइक है फ्रेंड्स, ये माइक जो है फ्रेंड्स ये मैंने काट कर बनाया है, हेडफोन का है। इसके बाद देखिए मैं उजाले के लिए इस टॉर्च का उपयोग कर रहा हूँ, तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हो मेरी मेहनत। तो फ्रेंड्स मेहनत के लिए भी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कमाइए, और अगर एक ट्रिक अच्छी लगी तो नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।